ठीक है, ये स्टोरी कई बार मैंने 8th स्टैंडर्ड को और 9th स्टैंडर्ड को बताई है, बट सिंस आई एम नॉन टीचिंग इन 1 to 7, ये स्टोरी आपके लिए नहीं होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन से क्या फर्क पड़ता है लाइफ में। एक स्टोरी है, बट ये एक लोक कथा है। लोक कथा मतलब इसका कोई रिलेटेबल प्रूफ नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट समुद्र मंथन? समुद्र मंथन के बारे में किन किन को पता है? हाँ, आपको पता है ना, देव और दानव, एक तरफ देव एक तरफ दानव, और बीच में नाग के जरिए पहाड़ के साथ उसको समुद्र मंथन कर रहे थे। तो जब समुद्र मंथन के दौरान बहुत सारी चीजें निकलने लगी, तब लोग ऐसा कहते हैं कि जब लक्ष्मी जी बाहर आए, तब विष्णु को लक्ष्मी जी मिले, और जब जहर बाहर आया, तब शिव जी को जहर मिला। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप विष्णु जी की फोटो देखो, विष्णु जी की फोटो सभी ने देखी है, नीचे पीताम्बर, ऊपर अच्छे कपड़े, मुकुट, हाथ में गदा, फिर शंख, कितनी सारी चीजें। ऐसा लग रहा है क्योंकि कोई बहुत ही रिच फैमिली से कोई इंसान है आया ना, ठीक है। दूसरे हाथ पे शिवजी देव, शिवजी की फोटो सभी ने देखे हैं, गले में नाग, खुले बाल, शरीर पे भभूत, गला नीला है कि नहीं, तीसरी आंख, तो उनको देख के किसी को भी डर लगे, आया ना, ठीक है। तो द सेम वे, ये मेटाफोर है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा ही हुआ था, पर जब भी आप वेल ड्रेस करते हो, जब भी आप अच्छे तरीके से ड्रेस पहनते हो, अच्छे तरीके से बाल कंघी करके आते हो, यूनिफॉर्म से ही से पहन के आते हो, और स्कूल में प्रेजेंट करते हो, तब सभी को लगता है यू आर अ गुड गाय और गुड गर्ल, आप अच्छे लड़के या अच्छे लड़की हो, और उसी के हिसाब से सबकॉन्शियसली आपको अच्छा स्टूडेंट समझा जाता है, हाँ या ना। अभी दूसरे हाथ पे कुछ स्टूडेंट देखो जो शर्ट का बटन खुला रख के आते हैं, पैंट ठीक से पहन के नहीं आते, या तो 1 इंच ऊपर पैंट होता है या तो 1 इंच नीचे, बेल्ट खुला रहता है, जिप खुली रहती है, बाल का ठिकाना नहीं है, तेल का ठिकाना नहीं है, आईडी कार्ड पहना नहीं है, और खड़े रहने में भी या तो ऐसे खड़े रहेंगे या तो ऐसे खड़े रहेंगे या तो ऐसे खड़े रहेंगे, ठीक है। अगर जैकेट पहना है तो कभी जैकेट ऐसे खुला होगा, कभी पूरी तरीके से बंद होगा, या ऐसे जैकेट होगा जो दिखने में अच्छा नहीं है, आया ना। तो जब आप ऐसे ड्रेस करके आते हो, तब सबकॉन्शियसली टीचर को आप कैसे स्टूडेंट लगते हो? पूरे स्टूडेंट लगते हो ना, तो बाद में सभी का बिहेवियर आपकी तरफ उसी तरीके से होगा, आया ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ बेस्ट वे। आपको देखने से ही लगना चाहिए कि तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं। Getting my point? So, आज से, अभी से, हर रोज इस तरीके से तैयार होके आओ कि यू सीम्स टू बी अ बेस्ट और अ गुड स्टूडेंट। इज इट ओके? ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दे आर ड्रेसिंग द बेस्ट वे दे कैन? आप में से कौन है जो अच्छा बेस्ट? हाँ बेटा, तुम ऊपर आ जाओ, ठीक है। और कोई? So that means 99.9% स्टूडेंट को खुद भी लगता है कि हम अच्छा ड्रेस नहीं कर रहे, राइट? ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं यहां पे खड़ा करूं, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट ही ड्रेसेस वेल? क्या इसने बाल अच्छे से कंघी किए हैं, कपड़े अच्छे से पहने हैं, शूज अच्छे से पहने हैं, ठीक है, लुक वाइज भी ओके? ओके, so how many of you subconsciously think that he is a good student? आप में से कितने को लगता है कि ये अच्छा student है? Very nice. क्या आप इनको जानते हो? फिर भी आप इनके बारे में क्या सोचते हो कि ये अच्छा student है? अभी मैं कोई किसी को बुलाऊंगा नहीं, पर किसी ऐसे बच्चे को बुला लूं जिसने बहुत ही खराब ड्रेस किया हो, ठीक है, तो आप उसके बारे में क्या सोचोगे? He is a not good स्टूडेंट। तो अभी से और हमेशा के लिए हम कैसे ड्रेस करेंगे?
श्योर प्रॉमिस थैंक यू.